के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारी फोन की भी घंटी बजे। वाराणसी न्यूज बुनकर की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मेरे चैनल पर जो नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। घोसी विधानसभा उपचुनाव में निर्वाचित सभा विधायक सुधाकर सिंह शनिवार दोपहर सफाई पहुंचे। उन्होंने नेताजी मुलायम सिंह यादव के अंत्येष्टि स्थल पर पुष्प अर्पित कर आशीर्वाद लिया। इसके बाद सुधाकर सिंह एमएस मेमोरियल कॉलेज पहुंचे। यहां उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव से भी मुलाकात की। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में घोसी उपचुनाव सबसे ज्यादा चर्चा में था। मऊ जिले की घोसी सीट पर भाजपा और समाजवादी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव था, जिसमें समाजवादी पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की। इस सीट पर भाजपा के दारा सिंह चौहान और सपा के सुधाकर सिंह के बीच मुकाबला था। यहां से दारा सिंह चौहान के सपा से बीजेपी में जाने पर यह सीट खाली हुई थी। अपने इस दौरे में सुधाकर सिंह चौहान मीडिया कर्मी से भी मुखातिब हुए। आइए देखते हैं उन्होंने मीडिया कर्मियों से क्या कहा। विधायक जी, आज आप सैफी पहुँचे नेताजी के समाधि स्थल पर, क्या कुछ कहेंगे आज? पहले तो आपको धन्यवाद दे रहे हैं। और नेताजी, मैं 1975 में आपातकाल में जेल रहा हूँ। मैं लोकतंत्र सेनानी हूँ, उसको सेनानी का दो दर्जा प्राप्त हुई। लोकतंत्र सेनानी का दर्जा माननीय नेताजी ने दिया था। पूरे प्रदेश में जो लोग ये रहे थे, और नेताजी के बारे में सुना हूँ, क्या जो उन्होंने किया है सब किया। जय जय बार विधायक रहा हूँ, कई क्षेत्रों से रहा हूँ, लेकिन सब नेताजी की। अच्छा सर, माननीय शिवपाल सिंह ने काफी मेहनत की है, माननीय अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, क्या कहोगे और घोसी की जनता के लिए क्या कहोगे सर? घोसी की जनता ही बधाई इन लोगों को दे रही है, हम क्या दें? पूरी जनता इन आप लोगों की आभारी है और इनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रही है, धन्यवाद दे रही है। शिवपाल सिंह यादव से भी मुलाकात हुई है, क्या कुछ बातें रही है? सब राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी की कृपा है और सबकी कृपा है। शिवपाल जी तो हम लोग नेता है, प्रोफेसर रामगोपाल जी हम लोग नेता है, सारे लोग हम लोग नेता है। अभी क्या बातचीत हुई है? आभार व्यक्त यहाँ करने गए थे। किस तरह से देख रहे हैं आगामी लोकसभा चुनाव भी है 2024 में? ये तो बड़े नेता लोग जाने हैं, तो छोटे नेता है। अच्छा, कब तक सूरज चांद रहेगा? कब तक सूरज चांद रहेगा? कब तक सूरज चांद रहेगा? थोड़ा सा जीतने के बाद पहली बार समाधि स्थल आई है, क्या कहना? मैं पहली बार नहीं आया, समाधि देने भी आया था, तो कई बार मैं आया जीतने का। हाँ, जीतने का पहली बार आया, लेकिन उस दिन भी मैं आया था। जनता हॉस्पिटल में हम लोग बैठे थे तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी, माननीय दीपन जी, हम भी वहीं बैठे थे। उसी सुबह से समाधि स्थल आई है, आशीर्वाद लेने क्या कहते हैं? आदमी मरता नहीं, जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं आज तक नाम उनका चलता रहा है, इनका नाम सदियों तक, हजारों वर्षों तक नाम नहीं मिट सकता। इतिहास के पंडित बना द्वितीय भी भाष बना नया, यह हजारों नहीं लाखों वर्ष तक जिंदा रहेंगे, इनकी मृत्यु तो नहीं हो सकता, इतिहास पर हो सकता। लोकसभा चुनाव में एक जीत हुई है बड़ी, मैं तो कार्यकर्ता हूँ इसको राष्ट्रीय नेतृत्व।